नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यमाई पावर बैंक हाइपरसोनिक पे। एक लेटेस्ट डिवाइस है जो कि शाओमी यमाई तरफ से लॉन्च हुआ है। अब यमाई क्राउड फंडिंग किस तौर पे इसे लॉन्च किया है, ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसमें आपको जो सुविधाएँ मिलेंगी वो हटके होगी और इसका लुक भी ज़बरदस्त है। ये डिवाइस 50 वाट फास्ट मोबाइल डिवाइस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि एक बेटर क्वालिटी है, और 45 लैपटॉप चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लो करंट चार्जिंग को भी यहाँ पे इसमें सुविधा दी हुई है। तो ये एक प्रीमियम मेट ब्लैक एक्सटीरियर डिज़ाइन के साथ में आता है। ये डिवाइस अभी 3,499 रुपये में अभी EMI के स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो इसमें मुझे एक खास बात लगी कि ये 45 वैट जो लैपटॉप चार्जिंग है, इससे लैपटॉप भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो और में हम थोड़ा देखते हैं, नीचे जाके देखिए, EMI पावर बैंक हाइपरसोनिक 20,000 mAh 50 वाट फास्ट फॉरवर्ड चार्जिंग, 50 वाट फास्ट चार्जिंग करके है। तो यहाँ पे आप इसको 45 लैपटॉप चार्जिंग कर सकते हैं विथ पावर डिलीवरी 3.0 सपोर्ट के साथ में। 50 वाट फास्ट चार्जिंग जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑन द गो चार्जिंग मॉड्यूल है। उसके बाद में आप इसे 45W वर्सेटाइल क्विक चार्जिंग रिचार्जिंग का भी सपोर्ट इसको मिलता है, और इसमें ट्रिपल पोर्ट है आउटपुट डिज़ाइन के साथ में, प्रीमियम मैट बैक एक्सटीरियर के है। अगर आप यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप नोटिफाई में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड चार्जिंग EMI पावर बैंक हाइपरसोनिक 20,000 mAh का है, जो मैंने आपको बताया, जो इसका एक लेटेस्ट यानी बहुत ही अच्छा फीचर है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ लैपटॉप चार्जिंग का। और मैंने पहले बताया कि 45 वाट का लैपटॉप चार्जिंग इसमें सपोर्ट करता है, ये पावर डिलीवरी करता है। अब ये इसके कुछ फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे। और ये एक फास्ट चार्जिंग डिवाइस है, मोबाइल को भी सपोर्ट करता है, गेमिंग कंसोल है, टैबलेट को भी सपोर्ट करता है, और कोई भी डिवाइस हो उसमें वो सपोर्ट करेगा। नियर अबाउट हर एक डिवाइस इसमें सपोर्ट में आते हैं। अब ये स्मार्ट पावर मैनेजमेंट सोर्स इसे कह सकते हैं हम, हाई करंट लो करंट डिवाइस चार्जिंग सपोर्ट के कारण। इससे आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप मान ले कि स्मार्ट वॉच भी ले, तो इसमें आप उसको भी आप चार्ज कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे लिनोवो L4480, EMI 11X Pro, और उसके बाद में EMI 10 5G और EMI वॉच, ये आप सब इसमें लो करंट चार्जिंग पे चार्ज कर सकते हैं, और फास्ट चार्जिंग का इसको सपोर्ट है। फास्ट चार्जिंग नियर अबाउट 3 घंटे में यानी 4 घंटे हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है EMI की तरफ से 3 घंटे 50 मिनट तक। ठीक है, ये टेस्टिंग कंडीशन है, आपके इधर कंडीशन थोड़ी अलग हो सकती है। और इसका लुक की बात क्या करें दोस्तों, लुक तो ज़बरदस्त है, प्रीमियम मैट ब्लैक एक्सटीरियर डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त एक डिज़ाइन है, और वर्सेटाइल इन चार्जिंग में भी है, जैसे कि आप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रिपल पोर्ट आउटपुट है, ड्यूअल USB-A प्लस USB-C भी है, यूनिवर्सल चार्जर कंपेटिबिलिटी। और इसका डिज़ाइन देख लीजिए, हार्डवेयर भी देख लीजिए, यहाँ पे ये स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन है। यहाँ पे इसमें लिथियम पॉलीमर कोर बैटरीज का यूज़ किया है विथ स्मार्ट 16-लेयर चिप प्रोटेक्शन के साथ में। आप समझ सकते हैं दोस्तों, 16-लेयर चिप प्रोटेक्शन, ये बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए हुए, जैसे टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, रिसेट मैकेनिज्म है, चिप थर्मल है, इनपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, मतलब आप इनपुट ज़्यादा भी हो जाता है या कम भी होता है तो ओवर प्रोटेक्शन में भी आपको ये सपोर्ट करेगा। प्रोटेक्शन फॉर्म इनकरेक्ट इंसर्शन के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी हुई है। इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोल भी यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका जो पावर सप्लाई एडॉप्शन है वो भी इंटेलिजेंट है। तो ये कुछ कुल मिला के ये इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए हुए, और इसको सर्टिफिकेट मिला है BIS की तरफ से। अब ये हाइट देख लीजिए, 15.35 सेंटीमीटर की हाइट है, और वीट देख लीजिए 37.35, और उसकी मोटाई लगभग 2.75 सेंटीमीटर की। और यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट मॉडल भी दिया हुआ है, इनपुट भी दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया है, और बैटरी टाइप भी दिया हुआ है। जनरली हम बैटरी टाइप देखते हैं, जो कि हमारा टाइप है लिथियम पॉलीमर बैटरी। तो दोस्तों, इस पैकेट में हमें क्या मिलता है, हमें एक पावर बैंक मिलता है, एक USB केबल मिलता है, और एक यूज़र मैनुअल मिलता है। और मैं जाते जाते एक बात बता दूं, ये सबसे बेस्ट है लैपटॉप के लिए, और ये चार्जिंग टाइम
3 घंटे 50 मिनट लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तकरीबन 4-4.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा। और इसमें आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, आपका मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आप आपका टाइम बचेगा, आप लैपटॉप को भी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकेंगे, जिससे कि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। जहाँ दूर दराज इलाकों में लाइट नहीं रहती, इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी कोई लिंक नहीं दूंगा दोस्तों, सिर्फ आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आपके जो भी कुछ कमेंट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और इसके बाद में मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आर का वीडियो बना रहा हूं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, तो मैं आपको उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको चैनल पे बार बार आना ना पड़े तो आप बेल आइकॉन को भी दबा दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, बाय बाय।